बहुत नमकीन है वो, जिसे हम चाहते हैं, हर पल खुदा से उसी को मांगते हैं। दिल हरदम तरसता है जिसे पाने को, क्या आपका दिल नहीं करता मैगी खाने को? चलो आज बात करते हैं हम लोग मैगी की। आपने बहुत तरह की मैगी खाई होगी, लेकिन आज हम कुछ अलग मैगी बनाते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जो शायद आपने पहले ट्राई नहीं की होगी। शाही पनीर तो सबको पसंद होता है ना, तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही बटर मैगी। तो चलिए देख लेते हैं हम रेसिपी। सबसे पहले हम ऑनियंस लेंगे, ग्रीन चिलीज एंड टोमेटो। आप कोई और भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लेन रखेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। हम सबको चॉप कर लेंगे, एक पैन में बटर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और उनके अंदर प्याज और मिर्ची को अच्छे से सौटे कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अगर आपको लगता है बटर आपने कम डाला है तो थोड़ा और ऐड कर सकते हो। अब हम उसमें सभी मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम उसमें डालेंगे मैगी मसाला और मैगी मसाला डालते हुए हम उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। अभी हम उसमें ऐड करेंगे टोमेटोज और उसको फिर से फर्दर पकाएंगे। आप किसी भी स्टेज पे बटर ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बटर कम है तो आप ऐड कर सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये अच्छे से पक जाए। अभी हम इसको ठंडा करने के बाद एक जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद कुछ पेस्ट ऐसा दिखेगा हमें। अभी हम पैन में बटर ऐड करेंगे एंड जो पेस्ट हमने बनाया है उसको ऐड कर देंगे। अभी पेस्ट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे, जो हमें मैगी मसाले के पैकेट के साथ ही मिलता है, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा पानी को मैंने पहले बॉयल कर लिया था ताकि जल्दी से मैगी कुक हो जाए। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और उसके बाद ऊपर से हम लोग इसमें मैगी ऐड करेंगे। एक्चुअली मैगी हेल्दी फूड में नहीं आता, तो हमें ज़्यादा मैगी खाना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो चलता है ना। और ऐसे भी आज संडे है और ऊपर से मौसम इतना अच्छा है तो मैगी तो बनती है। चलिए अब हमारी मैगी कुक होने शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट कुक हो गई है। आप चाहो तो इसको कम्प्लीटली पानी को ड्राई कर सकते हो, सुखा लीजिए इसको पूरा बहुत देर तक गर्म करने के बाद, या फिर आप चाहो तो थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हो। आई प्रेफर कि थोड़ा ग्रेवी वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा ताकि वो आपको बटरी टेस्ट आए उसका, शाही वाला। तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखा है। तो अभी हम इसको सर्व करते हैं। हमने डाल लिया मैगी, ऊपर से हमने फिर से थोड़ा सा बटर ऐड किया है। तो अभी हम देखते हैं कि मैगी बनी कैसी है। मैगी तो बहुत अच्छी बनी है, तो देर किस बात की, आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।